हाय फ्रेंड्स तो आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐड करना और डिलीट करना सीखेंगे तो सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट आपके पास है तो इसको हम लोग यहाँ से पहले पूरा फिनिश करते हैं तो ए प्रेस कीजिए और एक्स प्रेस कीजिए और यहाँ पे डिलीट है तो ये सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो गया अभी हम लोग ऐड करेंगे ऐड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे आप मेन्यू देख रहे हैं यहाँ पे ऐड में जी लेफ्ट क्लिक कीजिए तो मैश आएगा और यहाँ पे बहुत सारा कुछ है सबको आप ऐड कर सकते हैं बट हम यहाँ पे बेसिक सीखेंगे तो मैश में जाके प्लेन है और क्यूब है सर्कल एक एक करके लेते हैं मैंने प्लेन को लिया तो यहाँ पे प्लेन ऐड हो गया दूसरा मैं यहाँ पे जाके मैश में क्यूब लेता हूँ तो यहाँ पे क्यूब ऐड हो गया और मैं इसको वाई एक्सिस में मूव कर देता हूँ फिर से मैं ऐड में जाके मैश में जाके सर्कल लेता हूँ यहाँ सर्कल ऐड हो गया वाई एक्सिस में इसको मूव करके रख देता हूँ फिर से मैश में जाके यूस फेड लेता हूँ और इसको एक्स एक्सिस में यहाँ मूव करता हूँ फिर से ऐड में जाके मैश में जाके और यहाँ पर आइकोसपेयर लेते हैं और इसको वाई एक्सिस में मूव करता हूँ तो ये सब हम यहाँ पे ऐड करना सीख रहे हैं इस तरह से आप इसको मूव करके रख सकते हैं ये सब मूव के लिए और मतलब ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन है मैश में जाके यहाँ पे कौन लेता हूँ और मैं इसको वाई एक्सिस में इधर कर देता हूँ फिर यहाँ टोरस लेता हूँ और फिर यहाँ वाई एक्सिस में और एक्सिस में इसको मूव करता हूँ तो इतने सारे ऑप्शन हैं और ये सभी हम ऑब्जेक्ट मोड में कर रहे हैं तो बहुत सारे मोड होते हैं अभी ऑब्जेक्ट मोड में हम एक चीज को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अभी डिलीट करने के लिए सिंपल है या तो ए प्रेस करके सभी को डिलीट करके और यहाँ पर की से डिलीट प्रेस कीजिए तो सभी डिलीट हो जाएगा मान लीजिए अभी डिलीट हो गया वापस हमको बैक लाना है तो कंट्रोल जेड प्रेस किए तो वापस ये बैक आ जाएगा कहीं और सेलेक्ट कर दीजिए तो ये सब डिसलेक्ट होगा अभी पर्टिकुलर एक एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए इस पर सेलेक्ट कीजिए और एक्स प्रेस कीजिए डिलीट हो जाएगा इसको सेलेक्ट कीजिए या डिलीट प्रेस कीजिए तब भी डिलीट हो जाएगा और या इसको सेलेक्ट करके आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो डिलीट ऑप्शन आएगा यहाँ से डिलीट कर सकते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है या तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एक्स प्रेस कीजिए और डिलीट इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट प्रेस कीजिए डिलीट इसको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए तो डिलीट तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं ये प्रेस कर मैं सभी डिलीट करता हूँ तो ये सभी हमने ऑब्जेक्ट मोड में जाना तभी शॉर्टकट से हम लोग इसको ऐड करना जानते हैं तो शिफ्ट ए प्रेस कीजिए तो मैश ऑप्शन आएगा आपके पास एड का तो यहाँ से भी आप चीज को ऐड कर सकते हैं अभी हम एडिट मोड में जाके इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एडिट मोड का ऑप्शन आएगा बहुत सारे मोड है बट एडिट मोड में जाने के लिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं और दूसरा यहाँ पे आप टैब प्रेस करेंगे तब भी एडिट मोड में जाते हैं तो यहाँ पे अब बहुत सारा ऑप्शन आपको आ रहा है यहाँ पे डिलीट करने के लिए पहले तो सीधा हम इसको सेलेक्ट करते थे और पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट होता था अभी आप एक एक करके डिलीट कर सकते हैं ये यहाँ पे इसको वर्टेक्स बोलते हैं जैसे ये सब एक एक कोन हो गया यहाँ पे दिख रहा वायर फ्रेम में आते हैं ये सब देख रहे हैं आप ये सब जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट इसको वर्टेक्स बोलते हैं तो यहाँ पर अब इस सेलेक्शन में जाएंगे एज में तो एज है ये सब एज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फेस में आएंगे तो ये पूरी फेस सेलेक्ट होगी ये पूरा पूरा फेस सेलेक्ट होगा इसमें डिलीट करने के लिए सपोज कीजिए मैं वोटेक्स मोड में जाता हूँ इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ भी सेम ऑप्शन एक्सप्रेस कीजिए और यहाँ पे वोटेक्स आएगा डिलीट यहाँ पे ऑप्शन डिलीट है इस पर क्लिक कीजिए तो डिलीट कर देगा मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस आता हूँ इसको सेलेक्ट करके या डिलीट प्रेस कीजिए कीबोर्ड से तब भी डिलीट फिर कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस आता हूँ और राइट क्लिक कीजिए और डिलीट वाटेक्स वॉट इस पर क्लिक कीजिए और लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए तो डिलीट करेगा तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास डिलीट करने के लिए दूसरा एज है उसमें भी तीनों ऑप्शन लगाइए डिलीट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट एज डिलीट होगा कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस आते हैं फेस में जाते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको मैं ऑफ करता हूँ तो इससे क्या होगा एक ही साइड दिखेगा आपको दूसरे साइड नहीं दिखेगा अब इधर से फेस डिलीट करना है तो मेरे को तो यहाँ पर मैं आता हूँ सॉलिड मोड में और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट फेस जैसे मैं डिलीट करता हूँ तो ऊपर का फेस ये डिलीट कर दिया तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है एडिट मोड में डिलीट करने के लिए इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं अभी मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं और वापस मैं आ जाता हूं इस तरह से आप कंट्रोल जेड प्रेस करके डिलीट करके वापस आप आ सकते हैं इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे सेवन प्रेस करता हूँ और मेरे को ये आधे पर डिलीट करना तो वायर फ्रेम मोड में आता हूँ इस ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर देता हूँ अभी यहाँ पर मैं कंट्रोल और आर प्रेस करता हूँ और माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे तो प्लस का बटन देगा और यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए और फिर उसके बाद ऑप्शन है कि इसको ड्रैग कर सकते हैं जैसे राइट क्लिक कर देंगे जहाँ पे रख के वहीं पे वो पहुंच जाएगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ क्या हुआ वहां पे अब ये फिक्स हो चुका है तो अभी आपके पास बॉक्स को दो पार्ट में ये कर दिया है तो दो पार्ट में इसको करने के लिए मान चलिए अभी मेरे को एक पार्ट चाहिए तो इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में और लेफ्ट माउस का जो बटन है उसको यहाँ से ड्रैग कीजिए तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा देख रहे हैं और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये सिलेक्ट हो गया अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये बॉक्स को आधा कर दिया इसने तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे डिलीट का ऑप्शन आ जाते हैं तो इस वीडियो में इतना ही तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में